मैं मंदिर दे विच अल्लाह अल्लाह आखांगा, मैं गुरुद्वारे विच नाम राम दा बोलांगा, मैं कर खुदा दे जाके बाड़ मोमबत्तियां, ते मैं यीशु दे कर जाके रोजा खोलांगा। एक दा पाठ है पढ़िया एक नु जपदा हां, नानक दा पुत हां तेरा तेरा तो लांगा, नानक दा पुत हां तेरा तेरा तो लांगा। चैनल ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं आज। यार मैंने आप लोग को बताया था कि मैं मोहाली जा रही हूँ, मैंने इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जगह लिख दिया था, लेकिन उसके बाद ना कुछ जरा सी दिक्कतें हो गई और फिर ये वायरस का भी इशू होने लगा, पता चले मैं चली जाऊं और फिर लॉकडाउन लग जाए, तो इसलिए मैंने एक महीने के लिए वो प्लान ड्रॉप किया है। लेकिन आज हम लोग जाने वाले हैं जीवे पंजाब, इवेंट हो रहा है लुधियाना में गुरु नानक भवन में, वहां पे बड़े सारे सिंगर्स आने वाले हैं। नूर चाहल उनको आप जानते होंगे, रील से बहुत ज्यादा फेमस हुई हैं। बीर सिंह एकदम महान लिरिसिस्ट रहे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के और बहुत बढ़िया लिखते हैं, गाते भी सुना है उनको। और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं, दिव्यम सोडी हैं, मनजिंदर सिंह हैं, और भी सिंगर्स हैं जो वहां पे आने वाले हैं। तो वन डिजिटल एंटरटेनमेंट और बंटी बेस प्रोडक्शन की तरफ से ये शो करवाया जा रहा है। एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी कि मैं इसका पार्ट होने वाली हूँ। लेट्स सी वहां पे कैसा रहने वाला है सब कुछ। तो अभी यमुना नगर से मैं जस्ट चलने वाली हूँ, टाइम हो रहा है आई थिंक 11:30 बज गए हैं, एंड लेट्स सी मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस तरीके के इवेंट का, लेट्स सी कैसा होने वाला है, आई रियली डोंट नो। ब्लंडर बोले किसको यार, क्या बोलेंगे, मतलब एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है मुझसे आज। सो आप लोग को पता है कहाँ जा रहे हैं जीवे पंजाब, हमारा चैनल भी वन डिजिटल एंटरटेनमेंट के अंडर ही आता है। तो मेरी उन मैम से बात हुई, उन्होंने बोला इससे पहले व्लॉग जो व्लॉग था सिमरन कौर धाड़ली, जब उनसे मिलने गए तो उसमें मैंने आपको मैम से इंट्रोड्यूस भी करवाया था, तो उन्होंने बोला था कि श्रेय अपना DSLR ले आना, ट्राईपॉड ले आना, वहाँ कुछ हुआ तो हम अच्छा खासा शूट कर सकेंगे, व्लॉगिंग कैमरा तो है ही मेरा। मैम तो हाँ हाँ मैम बिल्कुल, मैं ले आऊँगी DSLR। और घर से चल पड़े, ज़रा सा रास्ता मतलब क्रॉस कर लिया, काफ़ी क्रॉस कर लिया था, DSLR यानी कि कैमरा वाला बैग मैं घर भूल गई हूँ। ये बहुत 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 बड़ी बेवकूफ़ी है, आई नो, बहुत मतलब बहुत केयरलेस बिहेवियर है मेरा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे लुधियाना जिनके घर पे जाना है, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, मैंने अपने कज़न से बातचीत करी, तो मेरा कैमरा अरेंज हो चुका है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वहाँ कोई नहीं होता तो मैं क्या करती। ओके सो अब ये हो चुका है, पर आगे से मुझे ज़रूर 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 याद रहेगा। कुछ और भूलूँ ना भूलूँ, मतलब कुछ और याद रखूँ ना रखूँ, कैमरा ज़रूर याद रखूँगी। ऐसी जगह पर जाना जब स्पेशली मतलब कोई कोई सेंस ही नहीं बनती कैमरा भूलने की, पर मैं भूल गई, लेकिन ठीक है। मैं जस्ट अभी पापा के फ्रेंड के घर पे, यानी कि जहाँ मुझे आया था बेसिकली हमारे रिलेटिव्स के घर पे, वहाँ पहुंची हूँ और फटाफट से यहाँ से रेडी होके मैं वहाँ चली जाऊंगी गुरु नानक भवन, एंड फटाफट से तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमेशा की तरह मैं आज भी लेट हूँ। थैंक्स, टाटा। तो यहाँ पे जो मेन इवेंट है इनका जीवे पंजाब, उसमें पहुंच चुकी हूँ। हाँ, फिलहाल भी जो वन डिजिटल एंटरटेनमेंट के ओनर है गुरप्रीत सर, उन्होंने हमेशा 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 इंस्टाग्राम पे देखा था, तो आज मैं उनसे लाइव मिली, काफी अच्छा था एक्सपीरियंस। बाकी मैं आपको पूरा सेटअप दिखाती हूँ कैसा होने वाला है। मुझे मेरी टिकट्स तो मिल गई है, लेकिन मेरे दिमाग में ना बड़ा ऐसे मेरे को लग रहा है कि यहाँ ना बड़ी सारी ऑडियंस भी है जो शो के स्टार्ट होने का जस्ट वेट कर रही है। तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मुझे लोगों के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि वो ये शो जो ये इवेंट अटेंड करने आए हैं स्पेशली किस आर्टिस्ट के लिए आए हैं। तो आई थिंक आई शुड गो एंड जस्ट आस्क पीपल रैंडमली कि भाई कौन से आर्टिस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो। लेट्स जस्ट गो। आपका नाम? अमनदीप सिंह। अमनदीप सिंह, जीवे पंजाब अटेंड करने आए हो आप, कौन से आर्टिस्ट के लिए स्पेशली? वीर सिंह के लिए और जो बंटी बैंस हैं। हाँ हाँ ओके,
उनके गाने अच्छे लगते हैं। कौन सा गाना फेवरेट है आपका? अरिजीत पवे के साथ आते हैं जो पानी छिड़का तो पूरी तरह पक दी। अच्छा, डीसी जी नीट और जेटी। तो अगर आपको पर्सनली उनसे बात करने का मौका मिले, फोटो वोटो खींचोगे बढ़िया उनके साथ? पूरी तैयारी के साथ आए। पूरी तैयारी जीवे पंजाब। तो मैं पहले आपको जरा बड़े से फ्रेम में दिखा दूं। हरजस है यहाँ पे, ये सब लोग दिल्ली से आए, ये उनकी मदर है, ये सब उनकी जो दीद है मासीज है, ये सब लोग स्पेशली दिल्ली से आए जीवे पंजाब अटेंड करने के लिए लुधियाना। तो मैं सबसे पहले आप ही से पूछूंगी, कौन से ऐसे आर्टिस्ट है जिनके लिए आप स्पेशली यहाँ आए हो? सो एक्चुअली आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ जीवे पंजाब। तो मैनू तो ऐसी कि जदों भी नैक्सट कॉन्सर्ट होना है असी उत्थे पहुँचना है। Okay. पर जदों असीं देखिया कि इत्थे वीर सिंह भाजी भी आ रहे हैं ते अपना वही कल्चर उसे तरह ही होएगा जिस तरह मैं यूट्यूब ते जैनवरी वाला कॉन्सर्ट देखिया सी, ते देन इट बिकेम अ नो ब्रेनर कि आप ते जाना ही जाना है ते घरदियां नूं भी लैके आना है। बहुत बढ़िया। तो कोई मतलब बेसिकली जीवे पंजाब आपको यहाँ खींच के लाया है? एग्जैक्टली। आर यू एक्साइटेड टू जस्ट अटेंड दिस शो? वेरी मच, वेरी मच। क्या एक्सपेक्टेशन? वी आर वेरी मच इनटू पंजाबी कल्चर। ओके, एंजॉय इट। ओके, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज समवन वर्किंग फॉर इट्स कंजर्वेशन। ऑलराइट, सो वी द लीस्ट वी कुड डू वाज कम एंड अटेंड टू एनकरेज, एंड व्हेन हरजस सजेस्टेड इट वी वर ऑल टू हैप्पी। ऑलराइट, सो अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू, आपकी तरफ से सबसे बेस्ट चीज पंजाबी कल्चर की आपको क्या लगती है? The softness and the helpful nature. Wow. Agree, yeah. And from according to you, what is the best thing about Punjabi culture? Everything. Not even, I can't count one. She's a passionate Punjabi teacher. So yeah, Punjabi is my weakness. I like Punjabi to speak Punjabi. And this is my try that Jeda bhi अगर इस बाइट नूं देखे ते वो इंस्पायर होएगी पंजाबी विच गल करन, क्योंकि जे साडी मां बोली ही नहीं रहेगी ते फिर कदी कौम कदी फ्लरिश नहीं कर सकती। सो जे कौम दी अगर असी चढ़दी कला चाहते हाँ तो सानूं पंजाबी विच ही बोलना चाहिए। सो मैं ते यही इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनूं लगता है कि मैनूं एक मौका मिल गया मेरा मैसेज कन्वे करना। ऑलराइट, तो मैं आप सबको मेरे साथ फ्रेम में लूंगी एक बार। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग दिल्ली से आए, मैं हरियाणा से आई हूँ ये शो अटेंड करने के लिए। मुझे यहाँ पे ना बड़े डाई हार्ट फैन मिले हैं नूर चाहल के, उन्होंने ना पोस्टर भी बनाया बड़ा क्यूट सा जिसपे लिखा है हे नूर व्हेन आई लुक एट यू कुछ कुछ होता है। तो उन्हीं से बात करते हैं कि भाई इतने पसंद, वाओ। तो ये पोस्टर है जिसपे लिखा है हे नूर व्हेन आई लुक एट यू कुछ कुछ होता है, क्या होता है बाय द वे? बहुत कुछ होता है मैडम, ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। फिर भी क्या होता है? दिल में गिटार बजते हैं? दिल में ऑब्वियसली गिटार बजते हैं, जैसे नूर गिटार बजाती है तो ऑब्वियसली दिल के गिटार भी शुरू हो जाते हैं बजने। तो मुझे ऐसा लगता है जब आपके सामने आएंगी आपको तो एकदम सच मेरे को कुछ नहीं पता। दैट्स सो स्वीट। तो आप पोस्टर एकदम ऊपर उठा दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। हज़राई इंस्टाग्राम पे आप सब लोग ने इनको बहुत ज्यादा सुना होगा, इतनी प्यारी आवाज में बहुत अलग अलग गाने कवर्स भी हमें सुनने को मिले। तो मेरे साथ है नूर चाहल, हम उनसे बात करेंगे, उन्होंने जीवे पंजाब में परफॉर्म किया है जो कि बहुत 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 बड़ी बात है। सो लेट्स जस्ट टॉक टू हिम और देखते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे परफॉर्म करने का कैसा रहा इतनी शानदार ऑडियंस के आगे। हाय नूर, हाउ आर यू? आपका परफॉर्मेंस हो चुका है, आई नो, मैंने देखा, बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत प्यारा गाया। मैं आपसे पूछूंगी, फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हो आप जीवे पंजाब में? जब पे सेकंड टाइम परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, पहले वर्चुअल कॉन्सर्ट में कर चुकी हूँ, जीवे पंजाब के वर्चुअल कॉन्सर्ट में। ऑलराइट, इसी साल किया था। ऑलराइट ऑलराइट, तो बेसिकली आपको सोशल मीडिया से एक पुशअप मिला है और आप जीवे पंजाब पहले परफॉर्म कर चुके हो, अभी परफॉर्म कर रहे हो, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है आपका, क्या कुछ नया सीखने को मिला? बहुत नया सीखने को मिला, लॉकडाउन में स्टेज एक्सपीरियंस नहीं मिल सका तो मैंने वीडियोज़ बना के शुरू की डाली। अब जब स्टेज पर एक्सपीरियंस मिलता है और इतनी सुंदर ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, म्यूजिशियंस से सीखने को मिलता है। सो इट्स ऑलवेज एन लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इट्स अ वेरी फन एक्सपीरियंस। ऑलराइट, तो मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि अलग अलग आर्टिस्ट से आप यहाँ पे मिले, स्टेज शेयर कर रहे हैं वीर सिंह, आने वाले टाइम में इन फ्यूचर कभी आपको किसी आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करना है तो कौन आपका फेवरेट लिरिसिस्ट होगा, कौन आपके फेवरेट सिंगर होंगे जिनके साथ आप परफॉर्म करना चाहोगे? आई थिंक एक ही आंसर है दोनों का, सतिंदर सरताज जी, वो लिरिसिस्ट भी हैं, वो गायक भी हैं, आपका परफॉर्मेंस भी इतना ही सुंदर था। हाय दिव्यम, कैसे हो आप? आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच, आई एम डूइंग रियली ग्रेट। ओके, तो मैं यही पूछना चाहूंगी, क्या जीवे पंजाब में आप पहली बार परफॉर्म कर रहे हो? हाँ जी, मैं जीवे पंजाब में पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ। आई वॉज गोइंग टू बी इन द प्रीवियस शो एज वेल, फॉर सम रीजंस आई कुडंट। So, this is my first time here. Okay, so how was the experience? कैसा लगा?
perform it is I think the one word which totally describes it is ecstatic. When you go on the stage you feel ecstatic, the energy that the people give you, and when your own composition is being loved by the people, it's I think it's one of the best feelings in the world, and I was able to feel that today. Right, performance ke baad mein aapke face pe wo glow, wo charm देख पा रही हूँ, आप बहुत खुश हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा. ऑलराइट, इन फ्यूचर आपको परफॉर्म करने का मौका मिले विद एनी ऑफ योर फेवरेट आर्टिस्ट, कौन होगा वो, लिरिसिस्ट एंड को सिंगर और एनीबॉडी? यू कैन टेक. ओके, तो थोड़ी डिफिकल्टी हम कम करते हैं, दो के नाम ले दो. ओके, आई थिंक गुरदास मान साहब. ओके, ओ वाओ, दैट्स सो अमेजिंग. हेलो देव, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया. जीवे पंजाब पे परफॉर्म करना है, करने का मौका मिला है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा अब तक आपको महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है. एक बार मैंने पहले भी पार्टिसिपेट किया है, ये मेरा सेकंड टाइम है, और मतलब हमेशा जब भी यहाँ पे आता हूँ तो वो जो वाइब है, मुझे म्यूजिक की वाइब है जो पहले जो आजकल कम होती जा रही है, वो जो म्यूजिक की एक समझ है जो लोग खो रहे हैं, यहाँ पे आता हूँ तो बड़ी खुशी होती है. जो हमको पसंद है गाने में वही चीज़ यहाँ पे लोग सुनने आते हैं, तो बहुत ही अच्छी ऑडियंस होती है. राइट राइट राइट, बहुत बहुत अच्छी बात है. और आपके साथ बहुत सारे और आर्टिस्ट भी हैं. अच्छा देव, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इन फ्यूचर आप जाते हैं पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन होने वाला है जिसके साथ आप परफॉर्म करना चाहते हैं? पंजाबी इंडस्ट्री में फेवरेट आर्टिस्ट फिलहाल के लिए मुझे कुछ आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसे जो जैसे प्रभ गिल जी हो गए, और तो जो सुरीले आर्टिस्ट हैं जो मतलब अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, मुझे पसंद है. ऑलराइट ऑलराइट, अभी मैं जिससे बातचीत करने जा रही हूँ वो पंजाब के इतने बढ़िया लिरिसिस्ट हैं, इतना बढ़िया गाते हैं, चल जिंदिए गाना मेरा तो बड़ा ही ज़्यादा फेवरेट है, तो वीर सिंह, उनसे बात करने वाली हूँ. सोशल मीडिया हो या पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री हो, हर तरफ छाए हुए, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और मैं भी खैर चाहे मेरी माँ बोली हिंदी है बट मैं पंजाबी बहुत अच्छे तरीके से सुनती हूँ, तो उनसे बातचीत करते हैं. जीवे पंजाब में ऐसा होता ना शो स्टॉपर, तो वही होने वाले हैं. लेट्स जस्ट टॉक टू हिम और देखते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहने. वेलकम टू वैकी टेल्स, मेरे चैनल का नाम आएगा. तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जीवे पंजाब में पहले भी परफॉर्म कर चुके हो या आपका फर्स्ट टाइम है? नहीं, मैं पहला भी परफॉर्म कर चुके हैं जीवे पंजाब के विच, और खुशी इस गल की है कि बहुत सोहना उपराला मेरे छोटे वीर ने किया है. एंड जीवे पंजाब के विच खास करके जी ऑडियंस है ना, वो हमेशा स्रोते बहुत सूझवान आते हैं. मैनू हमेशा ना एक गल मन च रही है कि जिस भी ऑडियंस के मैं गाँव, वो ऑडियंस मैं समझने वाली हो, मैं प्यार करने वाली हो, मैं भीड़ नहीं चाहिए, मैं अपने चाहिए होंगे. तो जीवे पंजाब की ऑडियंस मेरी बहुत अपनी है, मेरी गलू मेरे दिल चो शायद गल बाद निकलती है पर पहले समझ लेंगे. सो सारे स्रोतियों का बहुत धन्यवाद है, एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. और मेरे ख्याल ना सिर्फ आर्टिस्ट बल्कि ऑडियंस के रूप भी जेडे लोग इतने आते हैं, वो भी बहुत बहुत कुछ सीख के आनंद लेके जाते हैं. राइट, मैं इतने ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मेरे एक ऑडियंस में से किसी एक जन से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आप किस आर्टिस्ट के लिए आए हो यहाँ पे, उन्होंने आपका नाम लिया, और मैंने उनसे पूछा कि पंजाबी कल्चर में आपकी सबसे फेवरेट चीज़ क्या है, आपको क्या पसंद है? कहते गुरु की तरफ प्यार. तो उन्होंने ये बोला कि अगर कोई आपको सुनने आ रहा है तो इसका मतलब उसका और भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन है. अब मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी बात थी आपके लिए, और आपकी आवाज़ आपकी लिखावट जेन्युइनली ऐसा हमें सुनाई देती है और लगती है. सोशल मीडिया पे बड़ी फेमस हुई थी आपकी लाइंस, मैं मंदिर दे विच, मैं उसकी कुछ लाइंस यहाँ पे आपसे सुनना चाहूंगी या मेरी ऑडियंस. मैं मंदिर दे विच अल्लाह अल्लाह आखांगा, मैं गुरुद्वारे विच नाम राम दा बोलांगा, मैं कर खुदा दे जाके बाड़ मोमबत्तियां, ते मैं यीशु दे कर जाके रोजा खोलांगा. एक दा पाठ है पढ़िया एक नू जपदा हां, नानक दा पुत हां तेरा तेरा तो लांगा, नानक दा पुत हां तेरा तेरा तो लांगा. बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तारा, इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस. इवेंट कंप्लीट हो चुका है,
बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस आपने सुन लिए जियो पंजाब में परफॉर्म करने के बाद. मेरे लिए ये ऑनर था जो मैं इन लोगों से मिली. और अब एकदम सुबह की बहुत ही मशक्कत के बाद, खैर पता है क्या हुआ, DSLR में लेकर तो भूल ले जाना भूल गई थी, पर मैंने अरेंज कर लिया था, मेरे कज़न ने अरेंज करवा दिया था मुझे कैमरा, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी. मेरा छुटकू सा GoPro ही काम आ गया DSLR. तो मुझे बड़ा मतलब ऐसे रिलीफ रिलैक्स महसूस हुआ कि ठीक है, मुझे बहाना नहीं लगाना पड़ा. पर मैं नहीं लगाती बहाना, मैं कह देती कि मैं भूल गई. तो आप इवेंट ख़त्म करके मैंने खाया है बड़ा ही टेस्टी टेस्टी सा सैंडविच. सैंडविच खा के मैं जा रही हूँ वापस से अपने कज़न के घर पर ही, अपने अंकल आंटी के घर पर ही, और वहाँ से हम लोग देखते हैं क्या रहने वाला है. निकल लेंगे वहाँ से जल्दी. फिलहाल टाइम हो चुका है आई थिंक 9:15 हो चुके हैं, तो बस देखते हैं कब तक निकलते हैं. बट हाँ ये कि आज यमुनानगर पहुँच जाना है. काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है, शक्ल पे भी नज़र आ रहा होगा और आवाज़ में भी नज़र आ रहा होगा. तो जस्ट अभी मैं घर पहुँची गुरुनानक भवन से. वहाँ अंकल आंटी के घर पहुँचने के बाद मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी थी और हम लोग लेट भी हो रहे थे. तो फटाफट से वहाँ जाके चेंज किया, खाना खाया, खाना खाते हम लोग निकल गए वहाँ से. और अब 1:15 हो चुका है, तो अब मैं घर पहुँची हूँ. तो अब बस इस व्लॉग का मैं एंड करती हूँ. कैसा लगा आपको व्लॉग ये बताना मुझे. बहुत सारी चीज़ें थी. एक तो मैं आप इसमें क्लिप्स नहीं देख पाओगे जो आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया वहाँ पे, क्योंकि कॉपीराइट इशू आ सकता है. मुझे अलाउ नहीं था, किसी को भी अलाउ नहीं था वहां पे वीडियो बनाना, फोटो क्लिक करना, पर फिर भी लोग कर रहे थे. खैर बस हाँ ये है, अगर कोई उसे अपने YouTube पे अपलोड करेगा तो इशू हो सकता है, तो इसलिए मैंने उसके कोई क्लिपिंग्स नहीं लिए हैं. वो आप जीवी पंजाब के चैनल पर ही या जहाँ पे भी वो परफॉर्मेंसेज आएंगे मैं मेंशन कर दूंगी. एंड बड़ा अच्छा लगा सबसे इंटरेक्ट करके. आपको इस व्लॉग में उन्हें देख के कैसा लगा, आप क्या कहना चाहते हो उनके बारे में, जीवी पंजाब के बारे में, इस पूरे व्लॉग के बारे में मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना. बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बहुत छोटू सा ट्रिप, अप डाउन किया यमुनानगर टू लुधियाना, लुधियाना टू यमुनानगर, बट बहुत अच्छा था. मैं वन डिजिटल एंटरटेनमेंट के जो फाउंडर हैं गुरप्रीत भसी, उनसे भी मिली एंड काफ़ी नई नई चीज़ें बताई उन्होंने मुझे, कैसे और ग्रो करना है वो भी बताया. खैर गाइड करने वाले बहुत होते हैं, है भी लकीली ब्लेस्ड हुए इस चीज को लेके कि है एग्जीक्यूट मुझे करना है. सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग. कैसा लगा बताना कमेंट्स में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन. वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना.